So we are going to start with some good level questions. Of course, पहले भी गुड लेवल क्वेश्चन है, बट समथिंग डिफरेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. एवरी आइटम मेक्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर. आपको पता है कॉपर इज अ कंडक्टर. कंडक्टर में लास्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में, देर आर वन और टू और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है. इफ 1.1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द वायर ऑफ कॉपर हैविंग 1 mm डायामीटर. 1 mm डायामीटर मतलब 0.5 mm रेडियस है उसका. तो एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर. देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन mm पर सेकेंड, इन मिलीमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली विल बी. डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एटोमिक वेट इज 63. तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए. तो 11 में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन देखा था. तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? चलो ठीक है, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग. तो आइडियली होता क्या है, इन अ कंडक्टर ऑब्वियसली यू शुड नो बाय नाउ, कंडक्टर में यू हैव पॉजिटिव आयोन्स. पॉजिटिव आयोन्स क्यों? क्योंकि ये हर एक एटम ने कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करके रखा है. तो यू हैव पॉजिटिव आयॉन्स. तो दिस आर पॉजिटिव आयॉन्स एंड देन यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया या जब तक मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. यस, बट दे आर मूविंग रैंडमली. तो इनका जो मोशन है वो रैंडम मोशन है. और ये होता है एट वेरी हाई स्पीड्स, अप्रोक्सीमेटली 10^5 to 10^6 मीटर पर सेकेंड. वेरी हाई, वेरी वेरी हाई स्पीड्स. और नाउ इफ आई कनेक्ट अ सेल और बैटरी टू दिस कंडक्टर, अगर हमने इस कंडक्टर को सेल या बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली यू नो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम फ्रॉम विच टर्मिनल टू विच टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग. इसको ड्रिफ्ट मोशन बोलते हो, फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव. पर इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडम मोशन खत्म हो गया. रैंडम मोशन है, लेकिन कोलिजन करते करते स्लोली स्लोली इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. और ये नॉर्मली होता है 10^-4 मीटर पर सेकेंड में. तो ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी वेरी लेस, अप्रोक्सीमेटली 10^-4. एंड रैंडम वेलोसिटी इज वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 10^5 or 10^6 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले पता होना चाहिए, लुक एट द आंसर्स. एमएम पर सेकेंड में बोला है और साथ में फिर 0.2, 0.1, 0.3 पॉइंट हटा दिया, तो 10^-4 हो ही जाएगा वो. तो ड्रिफ्ट स्पीड जब पूछा हो तो 10^-, के टर्म्स में आता ही है. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 11 में. इट्स ओके इफ यू डू नॉट रिमेम्बर, बट अभी याद होना चाहिए इसके बाद से. आई अपॉन एन ई. ओके, तो ये और एक गड़बड़ होती है, कई कई पे वो गलती से लिख देते हैं एन ई, ऐसा कुछ लिख देते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज दिस एन ई एंड एन इन टू ई बोथ आर डिफरेंट. ये एनी होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज नंबर डेंसिटी? एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको बोलते हो एनी, एन सफिक्स ई. यहां तक क्लियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए. अब इसमें आई का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिया है कितना, 1.1. ई का प्रॉब्लम भी नहीं है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10^-19. ए का भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पाई आर स्क्वायर और आपके पास डायामीटर था वायर का, तो रेडियस मिल ही जाएगा. तो प्रॉब्लम किसका है? एन. तो अगर आपको ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करना है तो यू नीड टू हैव व्हाट इज एन. अब एन फाइंड कैसे करते हैं? तो लुक, दे हैव गिवन यू समथिंग एक्स्ट्रा, सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट अगर 63 है तो इसका मतलब ये होता है 63 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. तो एटॉमिक वेट का पहले मतलब पता होना चाहिए. इफ दे आर टेलिंग यू एटॉमिक वेट इज 63, मतलब 63 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स 0.0023 × 10^23 एटम्स. क्लियर? पक्का? श्योर? श्योर?
तो 63 ग्राम्स है, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम है। तो 63 × 10^-3 kg कंटेन्स 6.023 × 10^23 एटम्स, मतलब 1 kg ऑफ कॉपर कंटेन्स 6.023 × 10^23 अपॉन 63 × 10^-3। ये 1 kg में है, दिस इज इन 1 kg। तो 1 kg कंटेन्स दिस मेनी नंबर ऑफ एटम्स। पिक्चर स्टार्ट हो गया, तुम लेट हो, थोड़ा ध्यान दो। होता है ना मूवी में लेट पहुंचे तो आगे का समझ में नहीं आता, वही हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो। तो अब डेंसिटी क्यों दिया होगा फिर, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा फिजिक्स भी कनेक्ट करो। ये 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम ऑफ कॉपर में इतने नंबर ऑफ एटम्स है। अब नंबर ऑफ एटम्स है हमारा रिलेशन क्या, हमारा मतलब क्वेश्चन का सिंपल क्या बोला है। पहला पहला सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो, एवरी एटम मेक्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन फ्री किया तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, लेकिन ये 1 किलोग्राम के नंबर ऑफ एटम्स मिले। कहाँ पे बोला है कि वायर में 1 किलोग्राम ही कॉपर का बोला है, नहीं, तो डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी इज नॉर्मली मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर आप इसको मास के यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि हम नंबर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर डेंसिटी। तो आप बोल सकते हो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा भी बोल सकते हो, यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो। तो रिमेंबर नॉर्मली मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इफ यू वॉन्ट दैट इज ऑल्सो ओके। तो वॉट इज 1/V, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा, डेंसिटी अपॉन मास, डेंसिटी अपॉन मास। आपके पास मास दिया हुआ है, डेंसिटी, डेंसिटी इज 9 × 10^3 इंटू अपॉन मास है 63 × 10^-3 और डिवाइडेड बाय 6.02 × 10^23। गुड, राइट, पक्का, श्योर, क्योंकि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, श्योर, यस, नो, यस। एंड हाउ डू यू नो दैट कि कुछ गलत हो रहा है? ओके, क्या गलती भी कैसे समझ में आता है पता है आपको? यू मस्ट नो कि कभी भी नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये 10^+22, 23, 24 के रेंज में आता है, तुम्हारा यहाँ माइनस होने वाला है। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हो रही है वैल्यूज में, तो कहाँ गलती हो रही है चेक करो और बताओ वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग क्विक। नहीं, यहां तक ठीक है, उधर बताओ। ये दिस इज राइट, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि 1 किलोग्राम में 10^+20 के आसपास आ रहा है, वो ठीक है, वहां पे कुछ गलती है। मैंने इसलिए बोला कि ये मास डेंसिटी है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करते हो, कभी भी याद रखना, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ एटम्स पर किलोग्राम से। तो नंबर ऑफ एटम्स पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये नंबर है एन, तो इसको केजी हटा देता हूं मैं, आई जस्ट राइट डाउन एन, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा आपके पास। दिस इज एन, व्हाट इज रो वैल्यू, व्हाट इज एन वैल्यू, 6.023 × 10^23 अपॉन 63 × 10^-3। अब ठीक है, अब ये पूरा सॉल्व करने के बाद 8.5 × 10^25 के आसपास जाता है वो। आई विल रिपीट अगेन, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, आपको पूछा था ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है आई अपॉन एन ई ए, आई करंट दिया है 1.1, ई चार्ज इन इलेक्ट्रॉन पता है हमको 1.6 इंटू 10 से माइनस 19, ए निकाल लोगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, बच गया एन। एन इज नंबर डेंसिटी, और ये नंबर डेंसिटी फाइंड करने इसको एक तो स्मॉल एन बोल रहे हो ना तुम, नंबर डेंसिटी निकालने के लिए कभी भी याद रखना डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 किलोग्राम, ये तुमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, एटॉमिक वेट दिया था 63, मतलब 63 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेंट 6.023 इंटू 10 से 23 एटम्स, राइट, मतलब 63 इंटू 10 से माइनस 3 किलोग्राम, क्योंकि 1 ग्राम का कन्वर्जन कर लिया इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 से 23, मतलब टोटल नंबर इन 1 kg, इन 1 kg विल बी 6.023 इंटू 10 से 23 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 10 से माइनस 3। यहाँ से आपको नंबर मिल गया एन। अब सब कुछ है आपके पास, जस्ट पुट वैल्यूज, तो वी डी इक्वल टू आई मतलब 1.1, एन इज 8.5 इंटू 10 रेज टू 25, इंटू ई इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, इंटू ए पाई आर स्क्वायर, डी डायामीटर 1 mm था तो रेडियस 0.5 mm है, मतलब 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा। एक काम करो, ये 1.1 और ये 8.5 पॉइंट हटा दो, 11/85 इंटू 10^25 और 19 गए 10^6, और ये पॉइंट भी हटा दो तो 10^5 मतलब इंटू 16 इंटू पाई इंटू 25 10^-8 बराबर 10^-8 और +5 10^-3 ऊपर जाके +3 मतलब 1000 अपॉन 85 इंटू 16 इंटू पाई इंटू 25 वन जा एंड 40 जा 40 40 गुड। और हमको वैसे भी रफ आंसर चाहिए, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेट याद रखना। एक काम करो, अच्छा चलो ठीक है, 4 4 का 4 10 का ये भी ठीक है, वेरी गुड, 1 का एंड 8 रफली रफली स्पीकिंग ये आपके पास आ गया 8 और 4 नहीं 32 भी क्यों करना, ऊपर 10 है ना आपके पास एडजस्ट करने के लिए। एक मिनट, ये 16 आ गया, ओके 5/16 पाए, वॉट इज 16 3 जा, तो 16 × 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 50 50 होगा ना। और तो पाई की वैल्यू क्या होती है, वेट पाई की वैल्यू कितनी है, 3.1814, 3.14 इंटू 16 कितना होगा, 50 होगा रफली रफली, ये रफली रफली कितना है 50, वॉट इज 5/50, 1/10, 0.1 बराबर, क्लियर राइट पक्का ना, 0.1 है ना, एक छोटी सी गलती नहीं हुई, ये मीटर पर सेकंड है, ये तो मिलीमीटर पर सेकंड पूछा है, तो कहाँ गलती हो गई बताओ। नहीं आंसर छोड़ दो, इज नॉट दैट, इन्होंने क्या बोला है मिलीमीटर पर सेकंड, तुम्हारा आंसर क्या आया मीटर पर, तो क्वेश्चन गलत है, ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब करेक्ट है आंसर, डन, ऑल गुड, दिस इज मीटर पर सेकंड बराबर ना, तो मिलीमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10^+3 तो आंसर मैच ही नहीं होगा, फिर होगा आंसर मैच नहीं, तो फिर तो ये करेक्शन के साथ चलना पड़ेगा हमको, डन। ये 6 और नीचे 63 10 और 10^-3 मतलब 10^-2 बराबर, ये जब सॉल्व करोगे तो ये 10^-25 की जगह पे 10^-28 आएगा, अब हो गया करेक्शन, अब करेक्ट है, मतलब अब
जो आपका आंसर आया वो यो करेक्ट आएगा यहाँ पे। अब दैट वाज द ओनली थिंग, हमने सिर्फ पावर एडजस्टमेंट में गलती की, बाकी सब ठीक है, नो इश्यूज। गुड। अब अगर यहाँ पे पावर 3 से बड़ा है तो जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर लिखोगे उसमें यहाँ पे क्या लिखोगे, 28, 28 सही है। तो 28 तो नीचे नीचे जो है ना वो 3 से पावर बढ़ा दो तो ये आ जाएगा 8। पूरा सॉल्व करो और फाइनली देन यू विल गेट 0.1 × 10⁻³। तो ये सब लिखूंगा नहीं मैं अब, बिकॉज यू विल टेक मोर टाइम इन राइटिंग ऑल दिस डाउन, तो बेटर दैट आई राइट डाउन जस्ट लाइक दिस, 0.1 mm/s। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस इन साइड अ मेटल इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ पॉजिटिवली चार्ज आयन्स? तो जिनको पता नहीं है उनके लिए पहले पता होना चाहिए व्हाई देर इज रेजिस्टेंस, बिकॉज इन साइड अ कंडक्टर एज आई जस्ट टोल्ड यू यू हैव अरेंजमेंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ आयन्स, देर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, और होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट एट द सेम टाइम दिस आयन्स आर वाइब्रेटिंग, तो दे अंडरगो कोलिजन्स, इलेक्ट्रॉन अंडरगो कोलिजन विद आयन्स, तो दिस कोलिजन बेसिकली इज द कॉज ऑफ रजिस्टेंस। और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। वाई? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट प्रोवाइड करना, और हीट प्रोवाइड करने का मतलब होता है दिस आयन्स विल वाइब्रेट विथ मोर एम्पलीट्यूड एंड फास्टर। तो ऐसे मटेरियल को आप बोलते हो पीटीसी टाइप, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अ मटेरियल इन विच रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, पीटीसी टाइप। तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस क्या है। रेजिस्टेंस आर एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट जीरो जीरो केल्विन 1 + α T। एक्चुअली डेल्टा टी होता है लेकिन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इनिशियल तुमने लिया जीरो तो α T। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वायर इज 0.00125 °C, मतलब अल्फा की वैल्यू दी है। एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ohm, द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम्स 2 ohm इज, आपके पास R1 की वैल्यू दी है, कितने दिए हुए R1 की वैल्यू 1 ohm, एट टेम्परेचर T1 कितना बोला है 300 केल्विन, और आपको बोला है कि अगर रेजिस्टेंस 2 ohm होना है तो व्हाट इज टेम्परेचर T2? दिस इज अ क्वेश्चन विद अल्फा वैल्यू गिवन टू यू, अल्फा वैल्यू इज 0.00125 °C, तो पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है आपको। क्लियर? तो ये इक्वेशन है दैट गिव यू डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो R1 विल बी इक्वल टू R0 1 + α T1, R2 इक्वल टू R0 1 + α T2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो R1 by R2 इक्वल टू R0 R0 कैंसिल हो जाएगा, 1 + α T1 / 1 + α T2। R1 की वैल्यू 1 थी, R2 की वैल्यू 2 है, 2 ohm, इक्वल टू 1 + T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 300 केल्विन, कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, तो 1 + 300 α / 1 + α T2, तो सॉल्व कर लेंगे, 1 + α T2 इक्वल टू 2 + 600 α। अल्फा अल्फा के टर्म्स एक साइड पे लेके जाओ, और बेटर ये 2 है ये 1 है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बट इज 2 - 1 1।
तो अल्फा टी टू इक्वल टू 1 प्लस 600 अल्फा, तो टी टू इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 600 अल्फा बाय अल्फा, अल्फा बाय अल्फा हो गया कैंसल, व्हाट इज अल्फा? दैट आई नो, आई एम लुकिंग दैट हाउ विल यू डू एडजस्टमेंट्स। नहीं मुझे याद है 0.00125, 125 × 10⁻⁵। दैट इज ओके, कैलकुलेशंस के लिए, फास्ट करने के लिए। मैंने बहुत बार बोला है आपको, नीचे नीचे अगर 25 या 12.5 एडजस्ट कर सकते हो तो बेटर। क्यों? क्योंकि 25 लाओगे, ऊपर 100 लाओगे तो 100 बाय 25 इज 4। यहाँ 12.5 एडजस्ट किया, कैसे किया? 125 × 10⁻⁵ है, तो मैंने क्या लिखा? 12.5 × 10⁻³। सही है ना? पक्का? ओके गुड, वेरी गुड। प्लस अगर ऐसा नहीं करना तो 125 × 10⁻², भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इट्स अप टू यू। अल्फा अल्फा तो वैसे भी गया 600, ये ऊपर गया तो 100, 125। यू नो व्हाट इज 100 बाय 125? यू नो व्हाट इज 4 बाय 5? 0.8। तो 600.8, 600.8 बराबर। देखो तो आंसर में है क्या? एग्जैक्टली, ये जो है ना, ये अल्फा पर डिग्री सेल्सियस में है और वो केल्विन में है, तो फिर क्या करेंगे अब? किसको डिग्री सेल्सियस? उसमें 27 डिग्री सेल्सियस। ओके तो ये कितना आएगा? कितना है? फिफ्टी फोर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ 600 की जगह पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कितना आएगा? 54। तो 54, तो यहाँ पे भी प्लस 54। अब बताओ, टू, हाँ, अल्फा इक्वल टू 10⁻², क्योंकि यहाँ पे ना ये -5 का आना चाहिए था, अभी ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵। अभी गलती मत करना, नहीं, हाँ 1000, वेरी गुड। अपॉन वो 54 ऐड होता रहेगा, उसको छोड़ दो। यू नो 1 जा एंड 8 जा 800 + 54, तो कितना डिग्री सेल्सियस की केल्विन? तो केल्विन में कितना आएगा? +2, पक्का +2? 73, श्योर श्योर? यस, क्योंकि आखिरी नंबर 7 होना चाहिए ना, 4 + 3 तो एक ही आंसर है, आखिरी नंबर 7, तो 1127। अभी इसके बाद मैं कोई भी यहाँ पे मिस्टेक करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल मिस्टेक होता है, तो आपको पहले पता लग गया क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ गलती होती है, क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर ये पर डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर को पहले किस में लाओगे? डिग्री सेल्सियस में, और बाद में सॉल्व करोगे। ओके वेलोसिटी वीडी वेरीज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। मैं वापस बता रहा हूँ, बट वी डू नॉट हैव टाइम टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ये कंडक्टर था, जब तक आपने अभी बैटरी कनेक्ट नहीं किया, इसको एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं किया, तब तक इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग कंप्लीटली इन रैंडम मोशन। द मोमेंट यू कनेक्ट एक्सटर्नल सेल, जैसे ही तुमने एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल सेल कनेक्ट किया, तो वो एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल सेल करता क्या है पहले वो पता होना चाहिए। वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो एज सून एज यू कनेक्ट एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल सेल टू दिस कंडक्टर,
द रोल ऑफ दिस बैटरी इज टू कनेक्ट, इज टू जनरेट, क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे? इनसाइड, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और यू शुड नो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल? ये भी गलत बोल रहे हो, कोई नेगेटिव टू पॉजिटिव बोला, नहीं होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. आई शुड नॉट से, लेकिन यू आर इन 12th, वो भी खत्म हो गया, अभी भी डायरेक्शन नहीं पता, तो नहीं, इट्स नॉट गुड थिंग. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन मैंने परसों भी बताया था, कल भी बताया था, मतलब पहले दो लेक्चर में बताया था. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वी बाई डी. अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तब बढ़ेगा जब पोटेंशियल बढ़ाओगे, और अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे मतलब इसको और पॉजिटिव करोगे, इसको और नेगेटिव करोगे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड विथ मोर फोर्स, नाउ इट विल बी मूविंग फास्टर, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज इफ यू इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल, डन. अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेडियस 1 mm has resistance of 1 ohm. What length of wire of the same material? Same material मतलब density तो ठीक है, लेकिन there is something called as specific resistance, resistivity. क्योंकि आपको पता है resistance is equal to rho L by A. If you have same material, this is same. What length of wire? मतलब L2 पूछा है, L1 दिया है, कितना दिया है? L1 5, रेडियस दिया है आपको 1 mm. व्हाट लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल, व्हाट लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल एट सेम टेम्परेचर? सेम टेम्परेचर क्यों? क्योंकि तुमने अभी देखा टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर भी सेम है, तो टेम्परेचर भी सेम है, तो याद रखना. एंड ऑफ रेडियस 2 mm, आर वन दिया था 1 mm, आर टू दिया है 2 mm. Will also have the resistance of 1 ohm. Will also have resistance of 1 ohm. ये बहुत बड़ा जोक है, पता है क्यों? ये कॉन्स्टेंट और ये भी कॉन्स्टेंट. L is proportional to A, लेकिन A is proportional to R square. पता है ना? What is the area? Pi R square. तो हो गया क्वेश्चन खत्म. L1 by L2 equal to R1 by R2 का square. What is L1 given to you? 5. L2 तो find ही करना है. What is R1 given to you? 1 mm upon 2 mm. Correct. हो गया खत्म. ये 4 into 5. 20. हो गया. है क्या answer? क्यों कन्वर्ट करना है? रेशो लेना है तुमको. रेशो में तो कैंसिल ही होगा ना, एम 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 गया, यहाँ पे एम एम, यहाँ पे एम एम, हो गया कैंसिल आउट, डन. तो हो गया आंसर 20 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक आर 1 cm by 1 cm by 100 cm. 1 cm by 1 cm मतलब स्क्वायर बन गया, 100 cm का उसका लेंथ है. इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी इज 3×10⁻⁷ ओम मीटर, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस. तो अभी मैंने इसलिए बताया था कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए. तो क्वेश्चन में व्हाट यू हैव बीन गिवन इज यू हैव समथिंग लाइक दिस. तो आपको पूछा है रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेसेस. रेक्टेंगुलर फेसेस मतलब आगे का फेस और पीछे का फेस, या फिर ऊपर और नीचे. तो इस केस में आपके पास ये 1 cm है, ये 1 cm है, और ये लेंथ कितना है? 100 cm. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाय ए, एरिया. रो के लिए दिए 3×10⁻⁷. गुड. लेंथ 1 cm, तो 1 cm × 10⁻². एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फेस लेना पड़ेगा आपको.
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो 10⁻²⁰ मीटर स्क्वायर, तो 10⁻², तो आंसर इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷, ऑप्शन नंबर बी। तो रिमेंबर, अगर बोला है रेजिस्टेंस अक्रॉस रेक्टेंगुलर फेसेस तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर बोला है रेजिस्टेंस अक्रॉस स्क्वायर फेसेस तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और अक्रॉस रेक्टेंगुलर फेसेस बोला है तो दो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच का डिस्टेंस बिकम्स लेंथ, अगर स्क्वायर फेसेस बोला है तो दो स्क्वायर फेसेस के बीच का डिस्टेंस बिकम्स लेंथ। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। गुड, अब इसके आगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सबसे डिफिकल्ट जाते हैं जो सबसे इजी होने चाहिए, दैट इज सर्किट एनालिसिस। सर्किट दिया होगा, बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो अभी यू नीड टू पे अटेंशन प्रॉपरली, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उस पर ध्यान देना। द करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा ही आपको ध्यान देना है। जब भी ट्राइंगल अरेंजमेंट में आए तो सबसे पहले ये नॉनसेंस है ये, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट जंक्शन, मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व करो। सीरीज में है वो, कितना है 60 और 30 पैरेलल में है, तो 60 × 30 / 60 + 30, 60 × 30 1800 / 60 + 30 90, कितना 20। V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी है 2, आर इक्विवेलेंट तुमने बताया 20, तो 1/10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सही है, नथिंग रॉन्ग। बट आई गिव यू ट्रिक नाउ, इसके आगे ये जो ट्राइंगल के क्वेश्चन होंगे ना उसको सॉल्व कैसे करना है, जो भी किया सही था, बट जस्ट रिमेंबर नाउ, जस्ट रिमेंबर, मेरे को बात बताओ आर वन और आर टू किसमें है, और आर वन आर टू का सीरीज कॉम्बिनेशन आर थ्री के साथ क्या है, पैरेलल, तो एक काम करते हैं इसको बोल देते हैं आर एस वन या आर डैश, बेटर आर डैश, व्हाट विल बी आर डैश, आर वन प्लस आर टू, फिर आर डैश और आर थ्री किसमें है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर डैश इंटू आर अपॉन आर डैश, लेकिन आर डैश खुद क्या था, आर वन प्लस आर टू इंटू वो जो आर था, ये आर थ्री था, बराबर आर वन प्लस आर टू इंटू आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो जो आर डैश है वो आर वन प्लस आर टू है। इस मतलब करना क्या है, मतलब करना सिर्फ इतना है कि ये जो ब्रांच है इसको आर थ्री बोलना है, डन, इसको आर थ्री बोलना है, इनको आर वन और आर टू बोलना है, तो आर वन प्लस आर टू इंटू आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, गुड। तो ऐसे अगर याद रखोगे ट्रिक तो फास्ट होगा, वैसे वो भी सिंपल ही है, इट्स ऑल्सो सिंपल, बट इट्स गुड दैट यू शुड डू समथिंग लाइक दिस। तो 30 + 30 × 30 / 30 + 30 + 30 = 90, तो 1 and 3 = 60/3 = 20 ओम, तो आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट 5 by 20 = 1/10 एम्पियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ ईच ऑफ दिस रजिस्टर इज 2 ओहम, 4/3, गुड।
क्विक 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 डन। तो आई जस्ट आस्क यू व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इफ ईच ऑफ दिस रजिस्टर हैज 2 ओहम। तुमने बता दिया मेरे को 4/3। तो यही क्वेश्चन है अगला। थ्री रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओहम आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ ट्राइंगुलर शेप। द रजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस विल बी। वही क्वेश्चन है। हमारे पास तीन रजिस्टेंसेस है विच आर कनेक्टेड समथिंग लाइक दिस। ईच ऑफ देम हैज अ वैल्यू ऑफ 2 ओहम। और आपको पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस। एनी टू, मैं इसको हमेशा R3 बोलूंगा। ये R1 है, ये R2 है। तो अभी मैंने बताया इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है। R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 8/6 दैट इज 4/3। ऑप्शन नंबर ए डन। आई नॉट गिव यू टाइम टू राइट डाउन बिकॉज जोक है, ये भी जोक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अब पहले सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये इजी वाले क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो। नहीं समझ में आता सर्किट एनालिसिस करना, कुछ नहीं है ए और बी ना। तो सबसे पहले ए और बी ऐसा मार्क करो, दिमाग में मार्क करो, पेपर पे नहीं। ये एक ब्रांच है, ये पूरा ऊपर का मिला के दूसरा ब्रांच है। तीन 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 व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस, दिस इज सीरीज। तीन और तीन छः, तीन और तीन छः, छः और छः पैरेलल वापस तीन बन गया, क्योंकि 6 एंड 6 इन पैरेलल अगेन 3। तो दिस विल अगेन बिकम 3। तीन तीन छः छः, 6 6 पैरेलल में 3 3 3 और 3 9, 9 एंड 6 इन पैरेलल, 9 into 6 upon 9 plus 6, तो 9 into 6 upon 15, दिस इज 2 जा, दिस इज 5 जा, 18 by 5, 36/10, 3.6 ओम। ऑप्शन नंबर, तो ये आ जाएगा आपके पास 18/5 दैट इज 36/10 एंड दैट इज इक्वल टू 3.6 ओम। तो ये सर्किट एनालिसिस क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करना नहीं, इट शुड ऑल हैपन इनसाइड योर ब्रेन। वापिस एक बार, 6 6 6 6 3 3 3 3 9 9 एंड 6, 9 into 6 upon 9 plus 6। अभी अगला तुम दोनों में से एक बताएगा मेरे को। नो वन एल्स विल स्पीक, लेट मी सी हाउ मच अटेंशन दे आर पेइंग। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द फिगर इज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस और इस पॉइंट में तुमको फाइंड करना है। तो मेरे को बताओ मैंने प्रोसेस क्या बोला आपको, बताओ बताओ, क्विक क्विक प्रोसेस बताओ, मुझे प्रोसेस बताओ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए और बी इसमें 3 ओम है, लेकिन पहले का सॉल्व कर लो। अब ये दोनों किसमें है, तो कितना हो गया, वेरी गुड, ये छे और ये छे पैरेलल में है, तो वापस क्या बन गया, 3। ये 3 और ये 3 सीरीज में आ जाएगा। सर्किट एनालिसिस सीख लो अच्छे से। ये 3 3 3 3 सीरीज, 6 6 और 6 पैरेलल 3। मतलब ये सारा हटा के एक ही 3 लिख दूंगा उधर में, ऊपर का ये सब हटा के एक 3, ये 3 और ये 3 6, 6 और 3 पैरेलल में। तो 6 into 3 upon 6 plus 3 2 ओहम, आंसर इज 2 ओहम। आई विल रिपीट वंस अगेन, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया तो ध्यान दो ऑन वंस एंड फॉर ऑल, मेक इट क्लियर। तो ये दोनों किसमें है, ये कितना है, फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो इधर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ये ऐसा, ये कौन सा पॉइंट है ए, ये कौन सा पॉइंट है बी, ये क्या है सी, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ जा रहा है,
ये वाला कितना है, ये 6 ओहम, ये कितना है 6 ओहम, ये कितना है 3 ओहम, ये कितना है 3 ओहम, 6 और 6 किसमें है पैरेलल, तो कितना हो गया 3। तो अब ये ऐसा बन गया, और ये तो वैसे भी ट्रायंगल बन गया वापस से, ये कितना है 3, ये कितना है 3, ये कितना है 3, आपको चाहिए ए और बी में, और ये तो ट्रायंगल का ही केस आ गया। आया क्या ट्रायंगल का केस? यस। तो क्या था रूल? R1 + R2 × R3, 6 × 3, R1 + R2 + R3, 9। तो R1 + R2, 3 और 3 6 × R3, 6 और 6 × 3 18, R1 + R2 + R3 बराबर यस। तो ऊपर 18 नीचे 9, तो कितना आ गया 2 ओहम। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम यू शुड नीड इज लेस देन 20 सेकेंड्स। गुड। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हम लोग ओरली करते जाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओहम, कोई पेन पेपर यूज नहीं करेगा, एंड आई रैंडमली आस्क समवन ऑफ यू टू आंसर। तो करो अभी बड़बड़, आई विल सी। रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओहम, ईच आर कनेक्टेड इन द मैनर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर विद द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर एज शोन इन फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ इज, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो ओहम फ्लो लगता है, खत्म। V इक्वल टू IR, आई दिया है आपको 0.5, सिर्फ R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। 6/3, अगर आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ द सेम वैल्यू आर इन पैरेलल, तो R/N, तो 6/3 2, ये आ गया 2 ओहम। ये 12 और 6 पैरेलल में, 12 × 6/12 + 6 कितना? कितना 4, तो ये बन जाएगा आपके पास सब मिला के 4। अब ये 4 और ये 2 सीरीज में 6 बराबर। V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट 6 × 0.5 3 हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म, राइट। और ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं कि हमको आता नहीं, कैसे नहीं आता, सिंपल। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल द करंट इज 0.5 एम्पियर। तो जब आपने 2 ओहम लगाया तो करंट था 0.5 एम्पियर। व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड टू 5 ओहम द करंट इज 0.25 एम्पियर, द EMF ऑफ द सेल इज। तो सिंपल है, अगेन सिंपल। पहले केस में रेजिस्टेंस था, पहले केस में रेजिस्टेंस था 2 ओहम और करंट है 0.5 बराबर। अब रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया 5, तो करंट आ गया 0.25, तो EMF ऑफ द सेल इज। सबसे पहले लुक, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस में यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ, ऑलवेज। किरचॉफ्स लूप लॉ मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमारे पास सेल होगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर कर लो, नहीं बोला होगा तो भी कर लो, बिकॉज यू डोंट नो है कि नहीं। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस, तो यहाँ पे 2 ओहम का रजिस्टर था केस 1, और यू हैव सम सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, सम EMF E माइनस प्लस, करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे, जो मैं नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो किरचॉफ लूप लॉ E इक्वल टू IR, सिर्फ IR तो R इक्वेलेंट होता है, E इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल R, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होगा, ये आर और ये आर इन सीरीज। गुड गुड। वी इक्वल टू IR मतलब ई इक्वल टू IR, कौन सा आर? आर इक्विवेलेंट, ये बन गया फॉर्मूला। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम केस 1, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, करंट इज 0.5,
0.5 एम्पियर. गुड. व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 5 ओम, केस टू. और यहां पे भी केयरफुल रहना, व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू मतलब 5 ओम में, नहीं, इंक्रीज बाय बोला होगा तो 2 प्लस 5, इंक्रीज टू बोला होगा तो डायरेक्टली 5, इंक्रीज बाय 5 बोला होता तो 2 प्लस 5. द करंट इज 0.25, द करंट इज 0.25. तो इन दिस केस ऑफकोर्स आर टू और आई टू, ये आर वन और आई वन. गुड. तो दिस इज हाउ मच, 0.20. नाउ क्लियर, पक्का. तो द ईएमएफ ऑफ द सेल एस बताओ. E is same, yes. So E and small r same है. So E equal to पहले केस में I1 is 0.5, R1 is 2 plus small r. E2 मतलब E है क्योंकि cell change नहीं किया, तो same E है. I2 कितना है 0.25, R कितना है 5 और small r क्या है same. Equation number 1 and 2 दोनों कर दो divide. So dividing 1 and 2, तो E by E equal to of course 0.5 2 plus R upon 0.25 5 plus R. E गया 1 and 2 ये इधर आ जाएगा 5 plus R 4 plus 2R. R इक्वल टू 1 ओम, कितना आ गया 1. अब ये जो R की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 या 2 जहां पे आपको ठीक लगे वहां सब्स्टिट्यूट कर दो. तो पुट R इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. तो EMF E इज इक्वल टू 0.5 2 प्लस 1, कितना आ गया 1.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी. All right, तो बाकी के कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट रहेंगे. वी विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ, क्योंकि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कम से कम करना है. तो अभी जो क्वेश्चंस असाइनमेंट के हैं, मोर और लेस वी हैव डन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहो तो 15 स्टेप्स में है, आप चाहो तो इट्स टू सिंपल. डिपेंड्स ऑन हाउ यू एनालाइज द सर्किट. 8 रेजिस्टेंसेस, 8 दिए ना, 1, 2, 3, 4 और 4 बीच में है. ईच ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन फिगर. द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, तो आपको ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो इसका एक प्रॉपर मेथड है, पहले वो प्रॉपर मेथड समझ लो अच्छे से. कभी भी ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगेन आई विल टेल यू वन थिंग, कि जिन दो पॉइंट्स में आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है उसको सबसे पहले मार्क डाउन करो, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस आर है, और पूरा बाकी का सॉल्व करने के बाद दैट विल बी इन पैरेलल विद दिस आर. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, डायरेक्टली तो सॉल्व होगा नहीं ये. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, सर्किट को ब्रेक ऐसे पॉइंट पे करना सो दैट एक भी रेजिस्टेंस सर्किट के बाहर नहीं जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, सर्किट को ब्रेक ऐसे पॉइंट पे करो सच दैट कोई भी रेजिस्टेंस सर्किट के बाहर नहीं जाए. मैं अगर यहाँ ब्रेक कर लेता, सपोज यहाँ ब्रेक करता, तो प्रॉब्लम है ये रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर गया तो चलेगा नहीं. मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ तो भी चलेगा नहीं. तो ये एक ऐसा पॉइंट है दिस वन, क्योंकि मैं यहाँ अगर ब्रेक करता हूँ सर्किट को तो उससे क्या होता है, इफ आई ब्रेक द सर्किट ओवर हियर, फिर भी यू सी दिस इज दिस विल बी स्टिल कनेक्टेड, दिस टू विल बी स्टिल कनेक्टेड. तो ब्रेक किया सेंटर पे तो ये दोनों अभी भी कनेक्टेड है, ये दोनों भी कनेक्टेड है. मतलब ब्रेक तो जंक्शन पॉइंट पे करना है, पक्का है. लेकिन जंक्शन पॉइंट कौन सा था,
एक ये था, एक ये था, एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक बीच में था। टोटल 5 जंक्शन पॉइंट्स है। ए और बी पे तो तुम डिस्कनेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमको ए और बी के अक्रॉस ही फाइंड करना है। मतलब 5 में से 2 गए, बचे 3। 3 में से 2 ऐसे जंक्शन पॉइंट है कि जहां पे अगर आप डिस्कनेक्ट करते हो तो एटलीस्ट 1 रेजिस्टेंस इज गोइंग आउट फ्रॉम द सर्किट, तो वो भी नहीं कर सकते। तो बचा 1 सेंटर, तो सेंटर पे ब्रेक करो। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये आर था, ये आर था, ये भी आर है, ये भी आर है, ये सब आर है। 5 ओम में मुझे पता है, वो बाद में यूज करूंगा मैं। इससे हुआ ये कि ये जो थे दे आर इन सीरीज, तो दीज टू आर ऑल्सो इन सीरीज। ये 2 आर और ये 2 आर। अब ये आर और ये 2 आर को आखिरी में सॉल्व करेंगे। अब पहले जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। ये 2 आर और ये आर पैरेलल, 2 आर इंटू आर अपॉन 2 आर प्लस आर, 2 आर बाई 3, 2 आर बाई 3, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 आर स्क्वायर अपॉन 3 आर, 1 आर 1 आर कैंसिल हो गया, तो 2 आर बाय 3। क्लियर हुआ? अब ये आर और ये 2 आर बाय 3 सीरीज में है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सीरीज में ना सिंपल है, ये पूरा गया एक सिंगल ब्लॉक बन गया। आर और आर 2 आर, 2 आर और 2 आर कॉमन निकाल लो। 1 प्लस 1 बाय 3 4 बाय 3, 4 बाय 3 इंटू 2 आर 8 आर बाय 3। ये पूरा बन गया 8 आर बाय 3। अब ये 8 आर बाय 3 तुम देखोगे ए और बी पॉइंट के बीच में है, ये 2 आर भी ए और बी के बीच में है, और ये आर भी ए और बी के बीच में। तो दिस 3 आर इन पैरेलल। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, 1 बाय आर 1 बाय 2 आर प्लस 8 आर बाय 3, 3 गया ऊपर। गुड, आर कॉमन, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 8। 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2, कितना होता है, कितना होता है ये 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 8, हाउ मच, 15 बाय 8, 15 बाय 8। ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट इज 8 R बाय 15। R की वैल्यू 5 दी हुई है, 5 दिया था ना, 8 बाय 3, 8 बाय 3 ऑप्शन नंबर A, 19 ऑप्शन नंबर A करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वैसे तो अभी ये क्वेश्चन नंबर था हाउ मच 19, तो अगला वैसे सीक्वेंशियल 20 होना चाहिए। हम 20 पे आएंगे वापस, हम इस पे भी आएंगे क्योंकि तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पर उससे पहले दिस इज समथिंग दैट वी शुड सॉल्व। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट एनी ब्रांच, एनी ब्रांच तुम्हारी मर्जी वो ब्रांच ले लो, ओके, एनी ब्रांच अबाउट, अच्छा एनी ब्रांच ऑफ द बेस स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है नीचे ए बी सी डी, ये क्या है, बेस है। मतलब बेस में से ए बी या बी सी या सी डी या ए डी कोई भी ब्रांच ले लो, उसके अक्रॉस क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट। अज्यूम रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांचेस आर। क्वेश्चन समझ में आया? ये पिरामिड जैसा दिखता है, तो आपको पूछा है कि इस पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर है, उसका कोई भी ब्रांच उठाओ जो तुमको अच्छा लगे वो उठाओ, ए बी लो, बी सी लो, सी डी लो या ए डी लो, आपकी मर्जी, उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करो। बराबर, राइट, गुड। तो अब ऐसा है, बोल देना एवरीथिंग इज, आप भी आजकल के आपके लैंग्वेज में POV बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू विल डिसाइड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, ट्राइंगल, तुम कहाँ से देखते हो पिरामिड को वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तुम पिरामिड को या तो टॉप से देखो वर्टेक्स से, या बेस से देखो।
अगर आप पिरामिड को टॉप से या बेस से देखते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ये सेम चीज को देखने का अलग अलग एंगल हो सकता है। अगर आप टॉप से देख रहे हो और ये टॉप पॉइंट को मैंने नीचे स्क्वीज कर दिया, नीचे प्रेस कर दिया, तो यू नो व्हाट यू विल सी इज ऐसा, क्योंकि ये टॉप था, आप सीधा ऊपर से देख रहे हो। जब ऊपर से देखोगे तो आपको ये जो ए पी और पीसी है, ए पी और पीसी है, जब ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको डायगोनल, और बीपी और पीडी ये दिखेगा डायगोनल। मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू विल सी इज दिस, बराबर सही है पक्का ना? तो या तो वर्टेक्स से देखो या बेस से देखो, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस है आर, ये सारे के सारे आर है, बराबर गुड। तो कितने रेजिस्टेंस है? ए, कितने हैं? ए। आपको पूछा है कि आपकी मर्जी कोई भी एक ब्रांच ऑफ द स्क्वायर, कोई भी एक, फिर ये ले लो ए, और ये क्या जो भी नाम था मुझे नहीं याद अभी ये क्या था, अच्छा डी और सी था, डी और सी बोलो, ए और बी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर गुड। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है, द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम। तो 8R/8, तो तुमने सॉल्व करके रखा है, तो वापस क्यों सॉल्व कर रहे हो? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक जंक्शन पे होता है, जंक्शन कौन कौन से वो देखो, एक जंक्शन है ये और एक जंक्शन है ये, ए और बी, यहाँ तो ब्रेक कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको पूछा है बिटवीन ए एंड बी, तो इसको तो ब्रेक करते नहीं आएगा। अगर यहाँ ब्रेक करते हो तो ये ऊपर और रजिस्टर भाग गया, नहीं कर सकते। यहाँ करते तो सेम प्रॉब्लम, नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने सिर्फ इसको, सिर्फ ये जो था इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया होता तो चलेगा? यस चलेगा, फाइन कर लो ज्वाइन। तो व्हाट डू यू सी? आर आर, टू आर सीरीज, टू आर एंड आर पैरेलल, एक मिनट एक मिनट, ये ट्रायंगल ही बन गया, उधर ध्यान दो, वो ट्रायंगल ही है, R1 + R2 × R3 / R1 + R2 + R3, और यहाँ पे R1 R2 R3 सेम है, कितना है आर, तो R + R × R, तो R² / 3R, तो 2R/3, मतलब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल मिलके आपको क्या दे रहा है, 2R/3। फिर ये आर और ए आर किसने गया? सीरीज। व्हाट इज 2R/3 + 2R? 8R/3, 8R/3। तो पूरा ये जो सिस्टम है ये ऊपर का, ये पूरा आ गया 8R/3, यहाँ तक सही। ये दोनों मिला के, नहीं 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 ये दोनों, ये दोनों, तो 2R, अब ये 2R और वो 8R/3 इन पैरेलल, तो क्या आएगा 8R/3 × 2R / 8R/3 + 2R, हाउ मच अपॉन 14 R/3, 3 3 3 3 3 R R कैंसल, तो 8/7, 8R/7 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, वो गलत प्रिंट है, 8/7R नहीं, वो 8R/7। डन, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।